हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैंने जो वीडियो लास्ट डाला था उसी दिन का ये वीडियो भी शूट किया हुआ है, बट एक साथ नहीं डाला था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और उस दिन मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था शॉपिंग वीडियो, तो वही सब मैं इधर उसका जगह पे रख रहे हो। और मेरा बाल आज खुला है क्योंकि मैंने बालों में शैम्पू किया हुआ है। और इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बिहान का लिक्विड क्लींजर ख़त्म हो गया है, तो चीकू का जो बोतल है उसमें रख रहे हो। इससे पहले बिहान का जो बोतल क्लीनिंग करने के लिए मैं चीकू का यूज़ किया है। और इससे पहले मैं मॉरिसन भी, फर्स्ट टाइम मैंने मॉरिसन किया था, फिर मैंने लाभ ख़रीदा था। फिर उसके बाद जब मैं इधर आया था तो उधर से लाभ का ही लेके आया था। और फिर इधर आने के बाद ख़त्म हो गया था, तो हम लोग लोकल मार्केट से ले लिया था चीकू का। चीकू का भी बहुत अच्छा है, कोई स्मेल वगैरह नहीं रहता है, बट ज़्यादा लगता है, क्वांटिटी ज़्यादा लेना पड़ता है, एकदम पतला पानी टाइप का होता है। और इस बार हम लोग लाभ का ऑनलाइन से लिया है क्योंकि ऑनलाइन से लेने से थोड़ा कम प्राइस में मिलता है। चीकू का जो हम लोग ख़रीदा था वो तो जितना प्राइस इसमें लिखा था वही लिया है, कोई डिस्काउंट वगैरह हम लोगों को दिया नहीं था। अमेजोन से जो मैंने परचेज़ किया था उसके साथ जो प्लास्टिक आया था, तो मैंने उसी से ग्रो बैग बना रही हूँ। और इससे ग्रो बैग इजीली बन जाता है, सब नीचे स्टिच करना पड़ता है, फिर ग्रो बैग रेडी हो जाता है। और ये सब तो हम लोग फेंक ही देता है, तो इससे ग्रो बैग बना के कोई भी पौधा लगा सकते हैं। और ग्रो बैग ख़रीदने का जो पैसा हम लोगों को बच जाता है, तो मैं मुरमुरा का भी पैकेट ऐसे ही स्टिच कर लिया है। सबके पास तो मशीन नहीं रहता है, वो लोग ऐसे करके स्टिच करके कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो मैं स्टिच करने का भी वीडियो किया था, बट मेरे से डिलीट हो गया, तो वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाया। नहाने से पहले मैं बर्तन को धो के रखा था, फिर उसके बाद मैंने नहाया और पूजा भी किया था, फिर खाना खा के मैं वीडियो करने लग गया था। तो बर्तन को मैं सेट नहीं करवाया, अभी बर्तन को उसका जगह पर रख दूँगी। और बिहान भी उठ चुका है, तो बिहान के लिए मैं कुछ बनाऊँगी। तो बिहान के लिए मैं अभी पॉपकॉर्न बनाऊँगी, फिर वो भी थोड़ा खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। और उठने के बाद थोड़ा मूड ऑफ रहता है तो पॉपकॉर्न देख के वो खुश हो जाएगा, उसको पॉपकॉर्न पसंद है, तो ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा बहुत ही खाएगा। फिर उसके बाद मैं उसको बाद में दूध पिला दूँगी। और अभी वो उठ चुका है तो इसीलिए वीडियो करने के लिए आ गया है, उसको भी वीडियो करना है। हाय एवरीवन, मैं हूँ शंपा, वेलकम बैक माय चैनल। तो बिहान और मैं अभी खा रहा है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाने के बाद उसको पढ़ने बैठना है, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। बिहान का पढ़ाना हो चुका है तो वो अभी लिख रहा है, तो मैं जब उसको लिखाने जाता हूँ तो लाइन खींच के उसके बाद ही लिखाती हूँ जो एक लाइन में रहे। और बिहान वही कर रहा है, तो वो लाइन खींचने के बाद ए लिख रहा है, उसका ए हुआ नहीं, ए जैसा हो गया है, बट उसको ए बोलता है। उसको अभी लिखना नहीं आता है, मैं उसको हाथ पकड़ के लिखाना सिखा रहा हूँ। और वो कभी कभी पढ़ने बैठता है, डेली नहीं पढ़ने बैठता है, जिद करता है बहुत। हाय
रात का खाने का भी तैयारी करना है, तो रात में मेरे रोटी और आलू गोभी का सब्जी बनेगा। तो बिहान के लिए मैं पोहा को क्लीन कर रही हूँ। पोहा को मैं पहले नॉर्मल पानी से क्लीन करने के बाद उसमें थोड़ा नमक और दूध डाल के रख देंगे। और ये मोटा वाला पोहा है, भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो भीग जाएगा। उसके बाद 2-3 मिनट गैस में रख देंगे, पूरा नरम हो जाएगा। उसके बाद बिहान को खिला देंगे। और दूध में मलाई जम गया था, तो मलाई को मैं निकाल के रख रही हूँ। और मैं मलाई को ऐसे इकट्ठा करते रहती हूँ, फिर ज़्यादा हो जाए उसके बाद मैं घी बना के रखती हूँ। और फिर मेरे को रात का खाने का तैयारी भी करना पड़ेगा। तो अभी मैं वीडियो इधर ही एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।